डियर फ्रेंड्स वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्विंग नाउ टुडे वी विल गो फॉर लेक्चर नंबर थ्री एंड दैट इज अबाउट टेकिंग एंगल ऑब्जर्वेशन बाय वर्नियर सर्कल सो इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि हम लोग थ्योडलाइट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से अलग अलग पोजिशन में थ्योडलाइट को सेट कर सकते हैं सो वी हैव सीन दैट वेन दिस टेलीस्कोप इज ऑन द राइट साइड

तो हमारा वर्टिकल सर्कल हमारे टेलीस्कोप के राइट साइड में आ जाता है सो देन वी आर कॉलिंग इट एज फेस राइट तो इस प्रकार से हम लोग थ्योडलाइट का इस्तेमाल फेस लेफ्ट पोजीशन में थ्योडलाइट को सेट करके या फिर फेस राइट पोजीशन में थ्योडलाइट को सेट करके कर सकते हैं लेकिन हमने इसके पिछले लेक्चर में जो देखा कि हमको होरियंटल एंगल यदि गिनना है सो वी कैन यूज द थ्योडलाइट और सिमिलरली हमको यदि वर्टिकल एंगल गिनना है सो देन ऑल्सो वी कैन यूज द दाइट बट ये एंगल हमको गिनना कैसा है वॉट ऑब्जर्वेशन एक्चुअली वी आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ थियोडलाइट सो जनरली दिस दिस जनरलीट इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिट थियोडलाइट और वर्नियर थियोडलाइट सो इसके अंदर क्या है कि यदि हमको होरिजेंटल एंगल यदि गिनना है तो ये जो हमारा होरिजेंटल सर्कल है इसके अंदर हमारा यहाँ पे वर्नियर स्केल है और ये वर्नियर स्केल को देखने के लिए यहां पर एक लेंस दिखाया गया है सो वाई यूजिंग दिस लेंस तो हमको यहाँ पे करना क्या है सो देन वी आर यूजिंग दिस लेंस टू टेक द ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे ये जो होरिजेंटल सर्कल है हमारा ये सर्कल के अंदर में जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर जीरो दस बीस तीस चालीस पचास साठ डिग्री ऐसे डिग्री मिनट और सेकंड के ग्रेजुएशन मार्क है ऐसी एक वर्नियर स्केल ये हॉरिजेंटल सर्कल में है और इसको देखने के लिए एक विंडो यहाँ पर है और एक विंडो उसके पीछे में है सो दिस विंडो इज कॉल्ड एज ए विंडो और उसके पीछे की विंडो जो है वो बी विंडो है तो सर्कल के के वर्नियर स्केल ऊपर ए विंडो से हम लोग ये लेंस से देख के रीडिंग ले सकते हैं या फिर पीछे में जो लेंस है वहां से बी विंडो का रीडिंग ले सकते हैं जब ए विंडो का रीडिंग जीरो डिग्री रहेगा तो बी विंडो का रीडिंग 180 डिग्री रहेगा बिकॉज दे आर अपोजिट टू इच अदर तो होरिजेंटल एंगल हमारा ये होरिजेंटल वर्नियर स्केल पे मिलता है सो वी आर मूविंग द थ्योडलाइट इन दिस होरिजेंटल प्लेन तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हमारा होरिजेंटल प्लेन में हमारा थियोडोलाइट घूम रहा है तो जीरो डिग्री पे हमने टेलीस्कोप सेट करने के बाद में जितना हमने घुमाया उतना एंगल कितना है वो हमको रीडिंग मिलेगा ये सर्कुलर होरिजेंटल वर्नियर स्केल के ऊपर तो so, ये जो वर्नियर स्केल है यहाँ पर होरिजेंटल सर्कल uh, के अंदर दिस होरिजेंटल वर्नियर स्केल वी हेव टू रीड फ्रॉम दिस विंडो एंड बी दी हेव टू रिमेम्बर इसी प्रकार से जब हम लोग हमारे लाइन ऑफ साइट ओरिजेंटल कर रहे हैं तो हमको ये आई पी से हम लोग यहां से देख के इसका लाइन ऑफ साइट और इसका अल्टीट्यूड बबल ट्यूब हमने लेवल कर दिया बराबर तो अभी हमारे लाइन ऑफ साइट ओरिजेंटल है इस समय आपका ये जो वर्टिकल सर्कल है सो नाउ दिस इज द वर्टिकल सर्कल इसको भी यहां पर एक विंडो है और एक यहाँ पर विंडो है तो दो विंडो यहाँ पर भी है सो दिस विंडो इज कॉल्ड एज सी विंडो एंड दिस विंडो इज कॉल्ड एज डी विंडो तो जो आईपीस के पास की जो विंडो है ये विंडो को हम लोग बोलेंगे सी विंडो और ये विंडो को बोलेंगे डी विंडो तो ये सी विंडो के अंदर में हमको यहाँ पर वर्नियर स्केल दिखाई देगी तो ये वर्टिकल सर्कल में भी एक वर्नियर स्केल लगी हुई है जिसके ऊपर जीरो से लेके तो 360 डिग्री तक के एंगल मार्क है so we can take the horizontal angle with the help of this uh, sorry vertical angle with the help of this vertical circle and horizontal angle with the help of horizontal circle अब ये horizontal circle के यहाँ पर ये जो ये hole जो दिख रहा है यहाँ पे hole इसको हम लोग बोल रहे हैं window इसके अंदर देखने के बाद में हमको क्या दिखता है या फिर यहाँ पर जो vertical circle पे hole दिख रहा है ये C window है यहाँ से देखने के बाद में इसके अंदर क्या दिखता है ये हमको समझना है और उससे हम लोग फिर जो एंगल है वो एंगल कैसा गिन सकते दैट नाउ वी आर लर्निंग तो ये लेक्चर में हम लोग थियोडलाइट का इस्तेमाल करके होरिजेंटल एंगल या वर्टिकल एंगल के ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है दैट वी आर ऑब्जर्विंग सो सबसे पहले हम लोग वर्नियर ग्रेजुएशन कैसे होती है थ्योडोलाइट के वो हम लोग यहां पर देखेंगे उसके बाद में हमारी मेन स्केल और वर्नियर स्केल क्या होती है अब जो होरिजेंटल स्केल है उसके अंदर भी दो स्केल है एक मेन स्केल है जिसके ऊपर हमारा पूरा रीडिंग है जीरो डिग्री से तीन सौ साठ डिग्री तक और दूसरी हमारी वर्नियर स्केल है जो हमको मिनट और सेकंड में रीडिंग देती है तो मेन स्केल डिग्री और मिनट का रीडिंग लेने के लिए और वर्नियर स्केल मिनट और सेकंड का रीडिंग लेने के लिए इस प्रकार से दो स्केल यानी दो वर्नियर सर्कल अंदर होते हैं ओरिजेंटल सर्कल के अंदर और वैसे ही दो ओरिजेंटल सर्कल वर्टिकल सर्कल के अंदर भी वर्नियर स्केल होती है सो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल दे आर द पार्ट ऑफ द ओरिजेंटल सर्कल और वर्टिकल सर्कल अब ये वर्टिकल सर्कल में या ओरिजेंटल सर्कल में आप कहीं भी देखेंगे तो आपको रीडिंग लेने का तरीका कैसा करना है इस्तेमाल दैट वी आर लर्निंग इन दिस लेसन एंड देन वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से हम लोग थ्योडलाइट से ले सकते हैं सो so, इस प्रकार का आपको थ्योडलाइट के अंदर जब विंडो में से देखेंगे तो आपको यहां पर इधर से कुछ ग्रेजुएशन दिखेंगे ये मेन स्केल के ग्रेजुएशन है और वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशन आपको इतने ही दिखेंगे सिर्फ थोड़े से ही दिखेंगे तो ये भी रीडिंग कैसे ऑब्जर्व करना है सो दैट वी आर लर्निंग इन दिस लेसन सो एक्चुअली हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा ऐसा एक पूरा वर्टिकल सॉरी वर्नियर सर्कल है जो हमारी मेन स्केल है अब ये मेन स्केल के ऊपर जीरो डिग्री दस डिग्री बीस डिग्री पंद्रह डिग्री ऐसे पूरे तीन सौ सात डिग्री तक का मार्किंग है और इसके अंदर में एक और छोटी स्केल है जो है वर्नियर स्केल ये वर्नियर स्केल हमको मिनिट और सेकंड में रीडिंग देती है सो इन द वर्नियर दर्नियर लाइट और ट्रांजिट थोड लाइट वेन वी आर यूजिंग द वर्नियर स्केल टू रीड द ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास में दो है एक है मेन स्केल जो हमको रीडिंग देती है डिग्री एंड मिनिट में डिग्री एंड मिनट में और फिर दूसरी है हमारी वर्नियर स्केल और वर्नियर स्केल हमको रीडिंग देती है मिनट एंड सेकंड अब ये जो ग्रेजुएशन किए गए हैं तो इसमें क्या किया है एक डिग्री के तीन पार्ट कर दिए सो ये मेन स्केल जो है हमारी मेन स्केल के ऊपर हम लोग यदि देखेंगे तो यहां पे हमको मेन स्केल की बात हम लोग करेंगे तो हमारा जो एक डिग्री है तो यहां से यहां तक का एक डिग्री का डिस्टेंस है हमारा समझ लो स्केल के ऊपर तो इसके दो पार्ट कर दिए छोटे छोटे तो ये हमारी मेन स्केल हो गई तो मेन स्केल में यहां पर समझ लो एक डिग्री है और यहां पर दो डिग्री है तो ये जो छोटी लाइन है ये हो गई हमारी ट्वेंटी मिनट की और ये दूसरी हो गई फोर्टी मिनट की तो हम लोग मेन स्केल से एक डिग्री ट्वेंटी मिनट या एक डिग्री फोर्टी मिनट या फिर दो डिग्री ट्वेंटी मिनट दो डिग्री फोर्टी मिनट या फिर तीन डिग्री फिर तीन डिग्री ट्वेंटी मिनट डिग्री फोर्टी मिनट या फिर फोर डिग्री सो so, इस प्रकार से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं तो हमारे मेन स्केल के ऊपर एक डिग्री के तीन पार्ट है यानी एक पार्ट हमारा बीस मिनट का है तो ये बीस मिनट बीस मिनट बीस मिनट यानी साठ मिनट हो गए यानी ये हो गया एक डिग्री तो एक डिग्री बीस सेकंड इतना रीडिंग हम लोग मेन स्केल से ले सकते हैं सो यू हैव टू रिमेंबर दैट मेन स्केल से हमारा रीडिंग आता है फॉर एग्जाम्पल एक डिग्री बीस मिनट सो so मिनट के लिए एक डैश यूज करना है डिग्री के लिए डिग्री का सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं सो मिनट ये 20 20 40 60 20 40 60 20 40 साठ तो मेन स्केल मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो है बीस मिनट का मेन स्केल का लिस्ट काउंट है 20 मिनट का क्योंकि 20 मिनट कम से कम रीडिंग हम लोग इससे गिन सकते हैं इसी प्रकार से जो वर्नियर स्केल है हमारी वर्नियर स्केल पे थोड़ा सा हमारा अलग है सो वेन वी टॉक अबाउट वर्नियर स्केल तो वर्नियर स्केल के ऊपर ये हो गया एक डिग्री का और ये हो गया सॉरी ये एक मिनट का हो गया अभी यहाँ पे डिग्री के सिंबल रीडिंग नहीं है यहां पर और ये हो गया दो मिनट और इसके भी तीन पार्ट किए हुए तो तीन पार्ट यदि करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेकंड का और ये हो जाएगा फोर्टी सेकंड का सो रिमेंबर यहां पर सेकंड के लिए हम लोग दो डैश यूज कर रहे हैं और मिनट के लिए एक डैश यूज कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग दो डिग्री फिर ट्वेंटी मिनट सॉरी दो मिनट ट्वेंटी सेकंड फिर दो मिनट फोर्टी सेकंड फिर तीन मिनट फिर तीन मिनट फोर्टी सेकंड ट्वेंटी सेकंड तीन मिनट फोर्टी सेकंड और फिर चार मिनट सो इस प्रकार से मिनट और सेकंड मिनट और सेकंड मिनट और सेकंड इस प्रकार से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं अब इसके अंदर का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि वो बराबर आपको मिनट और सेकंड में एक्यूरेटली रीडिंग हमको देता है तो ये जो वर्नियर स्केल है ये वर्नियर स्केल को कैसे रीड करना ये हम लोग अभी यहां पर देखने वाले हैं तो हमको मेन स्केल भी रीड करना है और हमको वर्नियर स्केल भी रीड करना है जब दोनों रीडिंग करेंगे हम लोग तब जाके हमको एक एंगल का ऑब्जर्वेशन थ्यूड लाइट से मिलने वाला है तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल या वर्टिकल सर्कल है इसके अंदर में जो वर्नियर स्केल या मेन स्केल जो है वो कैसी होती है सो so, वो हम लोग यहां पर देखेंगे सो यू कैन सी दैट ये जो इस प्रकार का पूरा कंप्लीट ऐसा होर्जेंटल सर्कल या वर्टिकल सर्कल का मेन स्केल होती है अब ये मेन स्केल के ऊपर सो हियर ये जो बाहर वाला बाहर वाला जो पार्ट है ये है मेन स्केल और यहां पे आपको एक अंदर वाला यहां दिखाई दे रहा है और एक यहां दिखाई दे रहा है सो दिस पोर्शन सो हियर ये जो पोर्शन है ये है वर्नियर स्केल और यहां पर इधर के अंदर भी ये वर्नियर स्केल है अब ये वर्नियर स्केल सिर्फ जीरो डिग्री से ट्वेंटी मिनट तक ही है क्योंकि इसके अंदर अपने रीडिंग मिनट और सेकंड में लेना है सो so, हियर वर्नियर स्केल हमको मिनट एंड सेकंड इसका रीडिंग देने वाली है लेकिन ये जो कंप्लीट सर्कल है ये बड़ा वाला सो दिस सर्कल दिस इज कॉल्ड एज मेन स्केल तो ये मेन स्केल हमारी पूरी है तो यहाँ पर हमारा जीरो डिग्री से स्टार्ट हो गया फिर दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे नाइन्टी डिग्री फिर सौ एक सौ तो दस एक सौ तो बीस एक सौ तो तीस एक सौ तो चालीस एक सौ तो पचास एक सौ तो साठ एक सौ तो सत्तर एक सौ अस्सी डिग्री तो जब हम लोग यहाँ से हमारा जो वर्नियर सर्कल जो होता है हमारा वर्टिकल सर्कल उसको यहाँ पर ऐसा विंडो होती है ये जो विंडो है ये विंडो में से इतना पार्ट हमको दिखाई देता है सिर्फ तो ये यहाँ पर भी एक विंडो हमारी होती है ये विंडो हमारी तो ए विंडो हो गई हमारी ये वाली जहाँ पे जीरो डिग्री का दिख रहा है मार्किंग मेन स्केल का और बी विंडो जहाँ पर 180 डिग्री का मार्किंग दिख रहा है ये हो गई हमारी बी विंडो तो इसी होरिजेंटल सर्कल में ए विंडो और बी विंडो यहाँ से इतना पार्ट आपको दिखाई देगा यहाँ से इतना पार्ट दिखाई देगा और यहाँ से ये जीरो के साथ में कितना रीडिंग है हमारा अभी यहाँ पर दोनों भी जीरो हमारे मैच है और यहाँ पर भी जीरो और एक डिग्री मैच है तो जब हम लोग को घुमाएंगे एंगल गिनने के लिए तो ये मेन स्केल हमारी तो मेन स्केल घूमने की वजह से मेन स्केल का रीडिंग चेंज होते जाएगा अब ये मेन स्केल ऐसी घूम रही है इधर तो ये ये 10, 20, 30, 40 डिग्री एंगल ऐसा आते जाएगा तो ये वर्नियर का जो जीरो डिग्री का एंगल है उसके साथ में मेन स्केल का कौन सा रीडिंग मिल रहा है वो रीडिंग हमको लेना पड़ता है इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लोग लेंगे तो यहां पर एक डिग्री के फर्क से आपको यहाँ पे दूसरा एंगल मिलेगा तो हमको एट ए टाइम दो रीडिंग मिलते हैं पहला रीडिंग मिलता है ए विंडो पे और दूसरा रीडिंग मिलता है बी विंडो पे। सो so, so, ये 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 स्केल है, है इसको हम लोग बराबर ऑपरेट करते हैं थ्यूडलाइट घुमाते समय जब हम लोग हमारा अपर स्क्रू खोलते हैं सो रिमेंबर अपर स्क्रू थाइट का जब अपर स्क्रू हम लोग लूज करते हैं तो हमारी मेन स्केल घूमती है इसलिए मैंने यहां पर मेन स्केल के पास में लिख दिया रिमेंबर मेन स्केल को यदि मुझे घुमाना है एंगल के लिए तो मुझे सिर्फ अपर स्क्रू स्क्रू खोलना पड़ेगा बाकी का लोअर मेरा टाइट रहेगा तो अपर स्क्रू खोलेंगे तो मेन स्केल घूमेगी आपकी और आपका रीडिंग आ जाएगा लेकिन आपको दोनों भी स्केल एक साथ में घुमानी है तो दोनों स्केल घुमाने के लिए आपको लोअर स्क्रू भी खोलना पड़ेगा तो लोअर स्क्रू खोलेंगे

अपर क्लैम स्क्रू और लोअर क्लैम स्क्रू दोनों भी टाइट रहेंगे और हम लोग फिर हमको किसी पॉइंट की तरफ फोकस करना है लेकिन रीडिंग तो हमको जीरो डिग्री का ही लगेगा लेकिन हमको थियोड लाइट को पूरा घुमाना है रीडिंग जीरो ही रहना चाहिए तो उस समय हमको फिर लोअर स्क्रू ऑपरेट करना पड़ेगा लोअर स्क्रू लूज करना पड़ेगा लोअर स्क्रू लूज करेंगे तो ये रीडिंग कायम रहेगा हमारा जीरो डिग्री पे ही रहेगा और थ्योडलाइट को हम लोग किधर भी घुमा सकते हैं जिधर घुमाएंगे उधर जीरो डिग्री का एंगल आपको मिल जाएगा सो so, ये आपको रिमेंबर करना है लोअर स्क्रू खोल के हम लोग थ्यूड लाइट को किसी भी पॉइंट की तरफ फोकस कर देंगे लेकिन रीडिंग हमारा जीरो जीरो डिग्री का ही रहेगा अब इतना हो गया तो जीरो डिग्री तो लाक ही अपना अब हमको क्या कर, हम क्या करेंगे सिर्फ अपर स्क्रू खोलेंगे तो ऊपर का स्क्रू खोल दिया मैंने तो मेरी सिर्फ मेन स्केल घूमेगी तो मैं ये इधर इधर मेरा टेलीस्कोप देख रहा था मैं अब उसको ऐसा घुमाऊंगा तो ऐसा घूमने से मेरी मेन स्केल घूम गई तो मेन स्केल का रीडिंग मेरा बढ़ते जाएगा यहाँ से जीरो डिग्री दस डिग्री बीस डिग्री तीस डिग्री जितना भी घुमाएंगे आप तो रीडिंग बढ़ने से यहां पे फिर आपको रीडिंग दिखने लगेगा ए विंडो के अंदर भी और बी विंडो के अंदर भी तो पहले इनिशियल रीडिंग जीरो जीरो था लेकिन आपने अपर स्क्रू खोल के टेलीस्कोप को घुमाया तो आपका रीडिंग चेंज हो गया मेन स्केल आपकी घूम गई मेन स्केल आपके ऐसी घूम रही यहां पे और यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा वो मेन स्केल का रीडिंग और वरण्य स्केल का रीडिंग दोनों भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है अब ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए कैसा है तो हमको सबसे पहले तो अभी यहाँ पर ये दोनों भी चीज़ें ख्याल रखना है जीरो जीरो मैच करने के बाद में सिर्फ लोअर स्क्रू खोल के फोकस करने का है इंस्ट्रूमेंट को और एंगल लेना है तो अपर स्क्रू खोल के थ्यूलाइट को घुमा लो टेलीस्कोप को घुमा लो और अपर स्क्रू फिर से टाइट कर दो तो इस प्रकार से आपका मेन स्केल के रीडिंग लेने के लिए अपर स्क्रू को ऑपरेट करना है ये दो चीज़ें हमको ध्यान में रखना है अब ऐसी हमारी मेन स्केल और ये ऐसी दो प्रकार की वर्नियर स्केल ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर होरिजेंटल सर्कल में भी लगी है और हमारे वर्टिकल सर्कल में भी लगी है ट्यूबलाइट के अब वहां पे रीडिंग कैसे लेना है तो वो रीडिंग हम लोग देखेंगे और हम लोग यदि इसका क्लोजअप देखते हैं थोड़ा सा तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि ये क्लोजअप में थोड़ा सा आप देख लो तो अभी मेरा वर्नियर का ये पार्ट है इसके अंदर यहां पर जीरो डिग्री फिर दस डिग्री फिर बीस डिग्री तीस डिग्री चालीस डिग्री ऐसे पार्ट है अब ये जीरो और दस के बीच में एक और एक रेड लाइन दिखाई गई यहाँ पर तो यहां पे अभी हम लोग देखेंगे सो आई विल शो यू इन द क्लोजअप तो ये मेन स्केल के ऊपर यहाँ पे मेरा है जीरो डिग्री और यहाँ है मेरा दस डिग्री अब इसके बीच में और एक लाइन है मेरी बड़ी वाली यानी ये है मेरी पाँच डिग्री की लाइन ये मेन स्केल की बात कर रहा हूँ मैं अब ये पाँच डिग्री के बीच में और चार लाइने यानी एक दो तीन चार डिग्री हो गई यहां पे फिर ये पांच की लाइन हो गई फिर छः सात आठ नौ और ये दस की लाइन हो गई अब ऐसा होने के बाद में ये हो गया हमारा डिग्री का रीडिंग यानी जीरो डिग्री एक डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री चार पाँच छः सात आठ नौ दस डिग्री का अब ये डिग्री के लाइन के बीच में दो दो लाइन और है इसके अंदर और दो दो छोटी लाइन है यहाँ पर तो ये ट्वेंटी सेकंड फोर्टी सेकंड ट्वेंटी मिनट फोर्टी मिनट ट्वेंटी मिनट फोर्टी मिनट ट्वेंटी मिनट फोर्टी मिनट ट्वेंटी मिनट फोर्टी मिनट की ऐसी लाइन है यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक डिग्री के तीन पार्ट हो गए तो यहां पे एक डिग्री ट्वेंटी मिनट फोर्टी मिनट या फिर दो डिग्री फिर दो डिग्री ट्वेंटी मिनट दो डिग्री फोर्टी मिनट सो so, टू डिग्री ट्वेंटी मिनट या फिर टू डिग्री फोर्टी मिनट या फिर थ्री डिग्री इस प्रकार से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं तो ये हमारी मेन स्केल है जहां पे डिग्री और मिनट इतना ही रीडिंग हमको मिलने वाला है और वो रीडिंग लेना कहां से है ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये इंडेक्स मार्क है हमारा ये इंडेक्स मार्क के साथ में मेन स्केल का कौन सा रीडिंग आ रहा है वो वो हमको हमको चाहिए डिग्री और मिनट में वो हमको लेना पड़ेगा तो इस प्रकार से हमारी मेन स्केल बनी हुई है अब हमारे वर्नियर स्केल को भी हम लोग समझते ये थोड़ा सा और क्लोजअप में हमको जाना पड़ेगा सो वी विल अंडरस्टैंड द वर्नियर स्केल इन द क्लोजअप तो अब यहां पे वर्नियर स्केल आपको थोड़ा सा और क्लोजअप में दिखाई दे रही है अब ये वर्नियर स्केल पे हमको सिर्फ मिनिट और सेकंड ही है यहां वर्नियर स्केल जो है ये हमको एंड सेकंड ऐसे ही रीडिंग देने वाली है यानी एक डैश और दो डैश मिनिट और सेकंड में तो अब इसके ऊपर क्या है फिर यहां पर ये यह जो वर्नियर स्केल है इसका देखो क्लोजअप मैं आपको दिखा रहा हूं तो ये है मेरा जीरो डिग्री का सो दिस इज माई जीरो डिग्री अब जीरो डिग्री के बाद में यहां पर जो मेरा मार्किंग है वो है पांच डिग्री का तो ये जीरो मिनट का है ये और ये पांच मिनट का है अब ये जी, जीरो, जीरो मिनट और पांच मिनट इसके बीच में चार लाइनें लाइने एक दो तीन चार एक मिनट दो तो मिनट तीन मिनट चार मिनट और ये हो गया पांच मिनट तो ये हो गया बराबर अब ये हर एक मिनट के और दो दो पार्ट की है तीन तीन पार्ट की है तो इसके बीच में दो लाइनें और हैं दो लाइन यहां पर दो लाइन यहां पर दो लाइन यहां पर यानी ये सेकंड हो गए तो यहाँ पे फिर जीरो मिनट फिर ट्वेंटी सेकंड, फिर फोर्टी सेकंड, फिर एक मिनट फिर एक मिनट ट्वेंटी सेकंड, एक मिनट फोर्टी सेकंड, फिर दो मिनट फिर दो मिनट ट्वेंटी सेकंड दो मिनट फोर्टी सेकंड तीन मिनट तीन मिनट ट्वेंटी सेकंड तीन मिनट फोर्टी सेकंड फोर मिनट फोर मिनट ट्वेंटी सेकंड फोर मिनट फोर्टी सेकेंड और फाइव मिनट तो यहाँ पर आपको मिनट और सेकंद यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है हमको तो इस प्रकार से वर्नियर स्केल के यहां पर मिनट और सेकंड में रीडिंग हमको मिल रही है वर्नियर स्केल में तो ये मार्किंग हमारा यहां पर है अब जब हम लोग हमारा अपर स्क्रू खोलते हैं तो हमारी सिर्फ मेन स्केल घूमती ये जीरो हमारा जगह पे रहता बराबर वर्नियर स्केल का सिर्फ अपर स्केल घूमती मेन स्केल घूमती और उसके ऊपर से हमको एंगल आ जाता है डिग्री और मिनट में और बचा हुआ फिर मिनट और सेकंड का रीडिंग हमको ये स्केल पे लेना है अब ये रीडिंग कैसे लेना यही हमको अभी यहां पर इंपॉर्टेंट समझना है तो हम लोग इसके और क्लोजअप में थोड़ा जाएंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि अब यहां पर देखिए आप थोड़ा डिटेल में मैं को, मैं को आपको दिखा रहा हूं यहां पर तो ये जो इंडेक्स मार्क है ये जीरो, जीरो मिनट का इंडेक्स मार्क है ये मेरी है वर्नियर स्केल दिस इज वर्नियर स्केल ये जनरली फिक्स रहती है हमारी और हमारी रोटेट होने वाली स्केल है जो है वो है मेन स्केल तो ये मेरी मेन स्केल है यहां पर मेन स्केल जो है इसके ऊपर जीरो डिग्री से लेके एक दो तीन चार दस बीस चालीस पचास पूरा तीन सौ सात डिग्री तक का ये डिग्री की रीडिंग है अब जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था तो यहां पर जीरो डिग्री के बाद में पांच डिग्री की लाइन है बड़ी वाली और फिर बाद में दस डिग्री की लाइन है एकदम बड़ी वाली तो ये जीरो डिग्री और दस डिग्री आपको क्लियरली दिख जाते बराबर फिर उसके बीच में आ गया पांच डिग्री अब ये पांच डिग्री के बीच में और चार लाइन है ऑरेंज वाली एक दो तीन चार तो ये हो गया एक डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री चार डिग्री और ये हो गया पांच फिर यहां पे छह सात आठ नौ और ये दस डिग्री हो गया अब ये जो दो एक डिग्री का एंगल जो है इसके तीन पार्ट किए है यहाँ पे तो ये दो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही ये दो ग्रीन लाइन मतलब ट्वेंटी मिनट फोर्टी मिनट ट्वेंटी मिनट फोर्टी मिनट ट्वेंटी मिनट फोर्टी मिनट तो हर एक डिग्री को ट्वेंटी और फोर्टी मिनट में डिवाइड किया गया है इसका मतलब हमारी जो मेन स्केल है मेन स्केल का लिस्ट काउंट यह है हमारा ट्वेंटी मिनट ये मेन स्केल की बात कर रहा हूं मैं मेन स्केल का लिस्ट काउंट है हमारा ट्वेंटी मिनट का तो इस प्रकार से हर एक डिग्री के दो दो ट्वेंटी मिनट और फोर्टी मिनट और सिक्सटी मिनट ऐसे पार्ट करके पूरे मार्किंग मेन स्केल के ऊपर बने हुए है अब यह मेन स्केल हमारी घूम रही लेकिन यह वर्नियर स्केल हमारी जगह पे है इसका इंडेक्स मार्क आपको यहां पे दिखाई दे रहा इसमें भी मैंने जैसा पहले समझाया वैसा यहां पे पांच डिग्री दस डिग्री पंद्रह डिग्री और बीस सॉरी नॉट डिग्री मिनट पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट और बीस मिनट ऐसे हमारे यहां पर मार्किंग है अब हर एक मिनट के यहाँ पे फिर से चार पार्ट किए यानी ये हो गया एक मिनट दो मिनट तीन मिनट चार मिनट और ये पांच मिनट हो गया फिर छह मिनट सात मिनट आठ मिनट नौ मिनट ये दस मिनट हो गया अब ये मिनट के बीच में और दो दो व्हाइट लाइन दिख रही है आपको यहां पर तो हर एक व्हाइट लाइन बोलो तो ट्वेंटी सेकंड की है वो ट्वेंटी सेकंड तो यहां पे ट्वेंटी सेकंड फोर्टी सेकंड फिर एक मिनट हो गया फिर एक मिनट ट्वेंटी सेकंड एक मिनट फोर्टी सेकंड फिर यहां पे दो मिनट हो गया फिर दो मिनट ट्वेंटी सेकंड दो मिनट फोर्टी सेकंड तीन मिनट हो गया तीन मिनट ट्वेंटी सेकंड तीन मिनट फोर्टी सेकंड फोर मिनट हो गया तो इस प्रकार से हमारा मिनट और सेकंड मिनट और सेकंड ये हमारी है वर्नियर स्केल सो मिनिट एंड सेकंड ये रीडिंग आपको मिलने वाला है वर्नियर स्केल से तो जब भी थियोरलाइट से एंगल गिनना है तो हमको मेन स्केल से भी रीडिंग लेना पड़ता और वर्नियर स्केल से भी रीडिंग लेना पड़ता और दोनों के एडिशन करना पड़ता तब जाके आपको एक एंगल मिलता है डिग्री मिनट और सेकंड में तो डिग्री मिनट सेकंड का एंगल लेने के लिए पहले डिग्री और मिनट मेन स्केल से रीड करना पड़ेगा और बाद में मिनट और सेकंड वर्नियर स्केल से रीड करना पड़ेगा और जब दोनों का एडिशन करेंगे बराबर तब जाके आपको डिग्री मिनट और सेकंड

ये यहां का जो पार्ट है वो क्लोजअप में मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाली हमारी टोटल पूरी मेन स्केल है और इतने पार्ट में ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल इतना वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट हम लोग ये वाला जो पार्ट है ये लोग हम लोग विंडो में से देख सकते हैं ए विंडो या बी विंडो में से सो दिस मच पार्ट आई कैन ऑब्जर्व थ्रू द ए विंडो और बी विंडो ये यहां पर बी विंडो रहेगी और यहां पर ए विंडो रहेगी तो अब ये इसके अंदर यदि देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा अब ऐसा दिखाई देगा तो आपको इसमें क्या करना है तो आपको जो इंडेक्स मार्क का मार्ग जीरो वो यहां पर है है अभी ये वाला वर्नियर स्केल का जीरो है। तो यहां पे मेन स्केल का रीडिंग कौन सा है वो देखो आप अब मेन स्केल का रीडिंग आप यहां पे देखेंगे तो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है तीन यहां पर दिखाई दे रहा है तीन मतलब रीडिंग इधर बढ़ रहा है तो तीन के बाद में यह हो गया तीन सौ तीन सौ बयालीस की बड़ी लाइन दिख रही मुझे उसके बाद में एक छोटी लाइन भी और दिख रही मुझे तो मेरा रीडिंग हो जाए तीन सौ बयालीस डिग्री थर्टी मिनट सो so, थ्री फोर्टी टू डिग्री थर्टी मिनट यहां पर अभी मुझे एक रीडिंग दिख रहा है तो ये हो गया मेरा मेन स्केल का रीडिंग अब यहां पर वर्नियर जो है वो थर्टी मिनट वाली वर्नियर है यहां पर इसलिए और जब मैं अब मुझे क्या करना है कि मुझे वर्नियर का रीडिंग लेना है तो वर्नियर स्केल का रीडिंग लेने के लिए मुझे ऐसी लाइन चाहिए वर्नियर स्केल पर की वर्नियर स्केल की जो लाइन है ये लाइन ऐसी दिख रही मुझे कि ये लाइन नीचे के लाइन में कंटिन्यूशन में है एक लाइन ऐसी मिलेगी आपको कि जो लाइन थ्रू आउट दोनों की तरफ भी एक मेक को बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होगी वर्नियर स्केल पे भी और मेन स्केल पे भी ऐसी मैच हो जाएगी ऐसी एग्जैक्ट मैच होने वाली जो लाइन है वो लाइन हमको ढूंढना है वर्नियर स्केल पे तो वो यदि मैंने ढूंढ लिया तो वो मुझे यहां पर दिखाई दे रही है वो पांच मिनट के ऊपर है एक दो तीन चार पांच मिनट के ऊपर है तो मेरा मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा पांच मिनट और जीरो सेकंड तो इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे मिनट के नीचे मिनट लिखने वाला हूं मैं तो मेरा रीडिंग पे डिग्री मिनट और सेकंड ऐसा हो जाएगा तो इस प्रकार से हमको मेन स्केल और वर्नियर स्केल का रीडिंग ऐड करके फाइनल एंगल जो रीडिंग मिल रहा है ये एंगल मेरा हो गया ए विंडो या बी विंडो से ऐसा मिलेगा आपको तो इसको एग्जैक्टली exactly, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि so तो ए विंडो के अंदर हमको ऐसा ये देखो ये एल्यूमिनियम की पूरी मेन स्केल है और यहां पर एक स्केल है अब ये मेन स्केल और वर्नियस स्केल का हमको रीडिंग लेना है तो हम लोग क्या करेंगे जो वर्नियस स्केल का जो इंडेक्स मार्क है ये वाला ये है इंडेक्स मार्क वर्नियर स्केल का यानी ये जीरो डिग्री सॉरी जीरो मिनट वाला है वर्नियर स्केल का जीरो मिनट का मार्किंग ये है हमारा इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स मार्क अब ये इंडेक्स मार्क के साथ में मेन स्केल का रीडिंग कितना है तो वो हमको गिनना पड़ेगा अब यहां पे हमारा जीरो डिग्री दिख रहा है फिर यहां पे दस बीस तीस ऐसा है तो इधर से रीडिंग आते आते यहां पे इंडेक्स मार्क तो कोई एग्जैक्ट लाइन से तो मैच ही नहीं हो रहा है यहां पर लेकिन उसके पहला का रीडिंग कितना है ये वाला तो ये जो पीला एरो दिखाया है यहां पर ये वाला रीडिंग मुझे लेना है मेन स्केल से ये रीडिंग मेरा मेन स्केल से लेना है अब ये मेन स्केल से मैं ये वाला रीडिंग लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह नहीं ये बीस का है यहां पर बीस का मतलब ये हो गया पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस यानी उन्नीस डिग्री का मार्किंग मेरा पक्का हो गया यहां पे पहले तो ये ये हो गया मेरा मेन स्केल से अब इसके आगे मुझे वर्नियर स्केल पे की जो लाइने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस जो भी लाइन होंगी ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं अभी ये अलग 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 थ्योरेट में अलग अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है ये लाइन ऊपर के लाइन से मैच हो रही है क्या नहीं हो रही ये भी नहीं हो रही ये वाली 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 हो रही है अब ये लाइन ऐसी है वर्नियर स्केल पर की कि वो मेन स्केल के लाइन के साथ में मैच हो रही है तो ऐसी आपको एक ही लाइन मिलने वाली है कि वर्नियर स्केल पर की ऐसी लाइन मुझे ढूंढना है जो लाइन मेन स्केल के एग्जैक्टली exactly मैच होने वाली हो एकदम उसके लाइन में तो ऐसी लाइन मुझे ये मिल गई तो ये वाला रीडिंग हो गया मेरा वर्नियर स्केल का। ये पांच के बाद में छह सात आठ का हो गया समझ लो आठ मिनट का तो इस प्रकार से हमको पहले मेन स्केल का कौन सा रीडिंग इंडेक्स मार्क से मिल रहा है वो रीडिंग लेना है मेन स्केल से और वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के लाइन से मैच हो रही है वो रीडिंग लेना है मेन स्केल से ऐसा करके आपको यहां से आप डिग्री और मिनट का रीडिंग लेंगे और यहां से आप मिनट और सेकंड का रीडिंग लेंगे और अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमको डिग्री मिनट और सेकंड में रीडिंग मिलेगा तो ये इस प्रकार की एल्यूमिनियम रिंग जो होती है उसके ऊपर ये ग्रेजुएशन बने होते हैं डिग्री मिनट सेकंड के और वो आपको ए विंडो या बी विंडो में से दिखाई देंगे ये एग्जाम्पल बताया मैंने आपको हर एक थ्यूडलाइट में अलग अलग ग्रेजुएशन हो सकते हैं लेकिन जो हमारे पास में थ्यूडलाइट जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हमारा रीडिंग का तरीका जो है वो ट्वेंटी मिनट वाला हमारा थ्यूडलाइट होता है ट्वेंटी मिनट तो यहाँ पर ये 20 मिनट की वर्नियर स्केल है इसका मतलब यहाँ पर वर्नियर स्केल हमारी 20 मिनट की है तो ये हमारा एग्जाम्पल है ये हमारा भी मैंने एक एंगल सेट किया तो मैं ऑपरेशन फिर से क्या करने वाला हूं तो मेरा तो पहले वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो मैच है एक को और दोनों भी स्क्रू मेरे टाइट है अपर क्लैम स्क्रू और लोअर क्लैम स्क्रू टाइट है और मेरा रीडिंग जीरो जीरो मार्क हो गया अब ऐसा थियोड लाइट मैंने टेम्परे एडजस्टमेंट करके तैयार कर लिया अब मुझे एंगल गिनना है तो मैं सबसे पहले मुझे समझ लो इधर एक पॉइंट है मेरा ए और मैं बी पॉइंट पे खड़ा हूं थ्योडलाइट लेके और इधर मेरा सी पॉइंट है तो मेरा थ्योडलाइट पहले ए के तरफ फोकस करना पड़ेगा तो ए के तरफ फोकस करने के लिए मैं थ्योडलाइट का लोअर क्लैम खोलूंगा लोअर क्लैम खोलने से क्या होगा कि जो जीरो मैच है वो चेंज नहीं होगा जीरो डिग्री का एंगल कायम रहेगा तो एंगल जीरो डिग्री कायम रहेगा और थ्योडलाइट को मैं किधर भी घुमा सकता हूं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरा एंगल के ऊपर तो लोअर क्लैम को खोल के मैं ए पॉइंट की तरफ फोकस करूंगा इंस्ट्रूमेंट को तो मेरा थियोड लाइट अभी टेलीस्कोप जो है वो ए पॉइंट की तरफ दिख रहा है, देख रहा है और मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो मेरा मैच है बराबर ऐसे जगह पे मुझे लोअर क्लैम्प टाइट कर देना है अब लोअर क्लैम टाइट कर दिया तो जीरो मेरा फिक्स हो गया ए पॉइंट की तरफ अब मुझे ओरिजिनल एंगल लेना है सी के तरफ तो मैंने बताया आपको कि मेन स्केल को घुमाना है यानी एंगल गिनना है तो अपर क्लैम स्क्रू को खोलो तो अपर क्लैम स्क्रू खोल लो आप जैसा अपर क्लैम खोलेंगे तो मेन स्केल आपकी घूमने लगेगी और ये टेलीस्कोप को ऐसा घुमा के आप इधर कर लो तो आपका टेलीस्कोप अब आप सी पॉइंट को तरफ देखने लग जाएगा लेकिन आपकी मेन स्केल घूम गई तो मेन स्केल के ऊपर आपका रीडिंग आ जाएगा अब आपको क्या करना है जो ओरिजेंटल सर्कल का ए विंडो है उसमें से भी देखना है और पीछे से जाके बी विंडो में भी देखना है तो दोनों विंडो में से रीडिंग लेना है हमको तो पहले एक विंडो में से रीडिंग लेंगे समझ लो ए विंडो में से रीडिंग लेना है मुझे तो ए विजाम्पल तो यह हम लोग तो रीडिंग, मैं? रीडिंग मुझे डिग्री और मिनट में चाहिए तो यहां पे सेकंड में कोई भी रीडिंग आएगा नहीं रिमेंबर याद रखना यहां पर सो इन सेकंड कॉलम कोई रीडिंग नहीं रहेगा क्योंकि मेन स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब वर्नियर स्केल से रीडिंग लेंगे तो डिग्री का रीडिंग कुछ भी नहीं आएगा मेरा मेरा रीडिंग आएगा मिनट और सेकंड में तो वो मैं यहां लिखूंगा और फिर दोनों का मुझे प्लस करना है तो मुझे मेन फाइनल रीडिंग मिलेगा तो आपको रफ नोटबुक पे इस प्रकार से रीडिंग लिखने पड़ेंगे ए विंडो का सेम फिर बी विंडो का तो अभी हम लोग ए विंडो का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ए विंडो का एग्जाम्पल बोलो तो हमारा ये जीरो डिग्री दस डिग्री बीस डिग्री तीस डिग्री इसके आसपास में कहीं तो भी एंगल है हमारा थोड़ा सा घुमाया मैंने

थर्टी सेवन फिर थर्टी एट और थर्टी नाइन और फोर्टी है तो यहां दे रही है पर तो यहाँ पे यदि मैं देखता हूं अभी तो मुझे थर्टी सेवन डिग्री ये तो मेरा पक्का हो गया थर्टी सेवन डिग्री अब डिग्री के बाद में मिनट कितने हैं तो अब ये थर्टी सेवन और थर्टी एट इसके बीच में क्या पोजिशन है हमारी देखो ये थर्टी एट है थर्टी थर्टी सेवन और ये थर्टी एट है इसके बीच में दो लाइने हमारी ये थर्टी सेवन डिग्री ये थर्टी एट डिग्री और इसके बीच में दो लाइने हैं और हमारा जो इंडेक्स मार्क है ना वो ये पहले लाइन के बाद में है यहाँ पर यहाँ पर है मेरा पहला लाइन तो मेरा थर्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी मिनट इतना तो रीडिंग पूरा ही हो गया इधर से मुझे रीडिंग लेते जाना है तो थर्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी मिनट का रीडिंग पूरा हो गया लेकिन ट्वेंटी के आगे भी कुछ बचा है वो हमको अभी मालूम नहीं है तो वो हम लोग वर्नियर स्केल से रीड करेंगे तो अभी मेरा रीडिंग 37 सेवन डिग्री ट्वेंटी मिनट हो जाएगा तो मैं यहां पे 20 मिनट लिख दूंगा क्योंकि 20 मिनट का रीडिंग तो पूरा हो गया उसके आगे मैं जाऊंगा तो 40 हो जाएगा लेकिन 40 में नहीं है मेरा ये थोड़ा बीच बीच में में है अब ये बीच में कहां पर है ये मुझे ढूंढ के निकालना है तो वर्नियर का रीडिंग लेना पड़ेगा मुझे अब वर्नियर का रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे तो मुझे वर्नियर स्केल के ऊपर ऐसी एक लाइन ढूंढना है कि जो लाइन नीचे के मेन स्केल के लाइन से मैच होती हो ऐसी लाइन मुझे ढूंढना है अब ऐसी मैचिंग वाली लाइन ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो मैं तो पहले यहां पर अंदाज लगाऊंगा कि ये 20 मिनट और 40 मिनट इसके बीच में यदि मेरा इंडेक्स मार्क है इसका मतलब वर्नियर का रीडिंग मेरा बराबर 10 मिनट के आसपास आएगा यही पर अंदाज लगा सकते हैं आप ये मिनट के लाइन में ट्वेंटी मिनट और फोर्टी मिनट के बीच में यदि एग्जैक्ट सेंटर में मेरा इंडेक्स मार्क है इसका मतलब अंदाजे ये दस मिनट के पास तो हो गया रीडिंग मेरा तो ये एक पहला अंदाज लगा सकते हैं आप अब मुझे ऐसा यहां पे दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा आगे छे उधर यानी ट्वेंटी के बाद में ज्यादा आगे है थोड़ा सा लाइन वहां पर तो इसका मतलब है मेरा रीडिंग दस मिनट के ऊपर जाने वाला है यानी यहां पर जो मैं यहां दिखाई दे रहा हूं आपको यहां पर तो ये जो ये जो लाइन है मेरी ये लाइन एकदम पास में है यहां पर ऐसी यानी ट्वेंटी मिनट के बाद में पांच मिनट का रीडिंग और आ सकता है इसका मतलब ये आप अंदाज लगा सकते हो यहाँ पे या ये लाइन एकदम ज्यादा आगे है उधर तो फिर 40 मिनट के आसपास रीडिंग आ सकता है यानी 15 मिनट का रीडिंग आएगा फिर मेरा 15 मिनट का क्योंकि आगे जाएंगे तो फिर 20 मिनट पूरे हो जाएंगे तो ये जो मिनट की जो दो लाइनें हैं इसके बीच में आपका इंडेक्स मार्क कहाँ पर है इसका आपको अंदाज लगाना पड़ेगा यानी कैसा है कि ये ये ट्वेंटी मिनट और ये फोर्टी मिनट की लाइन इसके बीच में यदि होगा तो वर्नियर का रीडिंग 10 मिनट के आसपास आएगा या फिर 20 और 40 के बीच में यदि ये इधर में आएगा ऐसा तो ये 5 मिनट का रीडिंग हो सकता है और या 20 और 40 के रीडिंग के बीच में इधर में रहेगा इंडेक्स मार्क तो ये 15 मिनट के पास में रीडिंग आ सकता है तो पहला अंदाज तो आपको यहीं से लग जाएगा कि ये जीरो मार्क ये जो दो मिनट की लाइन है वो मिनट की लाइन के बीच में सेंटर में है तो दस मिनट का रीडिंग लेफ्ट साइड में है तो पांच मिनट का रीडिंग राइट right साइड में है तो पंद्रह मिनट का रीडिंग तो यह अब यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे के, 15 15 के आस पास की लाइन देखना शुरू करूंगा तो पंद्रह की ये वाली लाइन मेरी मैच होती है क्या नीचे से फिर उसके बाद की होती है क्या ऐसी कौन सी लाइन है तो एक लाइन मुझे दिखाई दे रही है ये वाली ये लाइन मेरी है पंद्रह मिनट ट्वेंटी सेकंड की लाइन है जो नीचे के लाइन के साथ में एग्जैक्ट मैच हो रही है तो जो लाइन मेरी मैच हो गई वो हो गया मेरा वर्निया स्केल का रीडिंग तो ये जो लाइन मैच हो रही है अभी मेरी यहाँ पर ये रीडिंग है मेरी पंद्रह मिनट ट्वेंटी सेकंड वाली लाइन मैच हो गई मेरी नीचे के लाइन के साथ में तो ये रीडिंग हो गया मेरा तो अब मैं इसको टोटल करूंगा थर्टी सेवन डिग्री थर्टी फाइव मिनिट और ट्वेंटी सेकंड ये मेरा ऑब्जर्वेशन हो गया ए विंडो का तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं डिग्री मिनट का रीडिंग मेन स्केल से मिनट और सेकंड का रीडिंग वर्नियर स्केल से और दोनों का एडिशन कर दो अब ये जो ये पंद्रह मिनट और बीस सेकंड ये जो लाइन मैंने यहां पर पता करी ये मैंने कैसे पता किया एग्जैक्टली exactly. तो उसके लिए आपको ये जो लाइन है ना ये लाइन आपको शांति से देखना पड़ेगा बराबर सब तो मैं अभी क्या करूंगा कि जब मैं ये वर्नियर स्केल की लाइन देख रहा था तो मैंने पांच की देखा दस की देखा पंद्रह की देखा तो पंद्रह के बाद की लाइन आपको यहां पे कंफ्यूजन होगा हर एक लाइन के बीच में तो जब आप यहां पर इसका क्लोज ऑफ व्यू देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक लाइन ऐसी ये हमारा ये ऐसी लाइन है और एक लाइन ऐसी है कि ये लाइन एग्जैक्ट मैच हो गई इधर की जो लाइन है ये थोड़ी बाजू में है इधर की लाइन थोड़ी और बाजू में इधर की लाइन थोड़ी और बाजू में इधर की लाइन थोड़ी और बाजू में, 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 में वैसा ही इसके इधर जाएंगे तो इसकी लाइन इधर इधर सरकते जाएगी सब यानी ये लाइन सब इधर उधर सरक रही मेन स्केल की

ले लिया ये हो गया हमारा एक ए विंडो का रीडिंग जो एंगल मैंने सेट किया था अब इसी प्रकार से फिर से हम लोगों को दूसरा बी विंडो पे जाके देखेंगे तो बी विंडो पे थोड़ा सा हमको अलग दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे ये यह उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर तो इधर मेरा एंगल एक डिग्री के आसपास में होगा बराबर और इसलिए मुझे वो मेन स्केल ऐसी दिख रही है वर्ण स्केल अंदर से दिख रही है क्योंकि मैं बी विंडो पे चले गया अब बी विंडो पे भी वही करना है पहले मेन स्केल से रीडिंग लेना है तो मेन स्केल का जो वर्नियर का जो जीरो है ये है मेरा इंडेक्स मार्क वर्नियर का जीरो ये मेरा इंडेक्स मार्क है अब ये इंडेक्स मार्क के साथ में मेन स्केल का रीडिंग कौन सा आ रहा है तो यहां पर 220 सौ बीस है यहां पर 210 है यानी रीडिंग मुझे इधर से इधर लेना है 210 से 220 सौ की तरफ तो ये हो गया मेरा दो सौ ग्यारह बारह तेरह यानी ये 215 की लाइन है 215 के बाद में 216 216 के बाद में 217 और 217 के बाद में ये एक हरी लाइन है उसके बाद में इंडेक्स मार गया आपका यानी 217 के बाद में एक हरी लाइन मतलब 20 मिनट तो 15, 16, 17, दो डिग्री और 20 मिनट सेकंड का रीडिंग यहां पर आता नहीं है तो ये हो गया मेरा मेन स्केल का रीडिंग 217 डिग्री 20 मिनट का अब इस प्रकार से ये हो गया मेरा मेन स्केल का अब वर्नियर स्केल का रीडिंग लेना है मुझे तो वर्नियर स्केल में तो यहाँ पर डिग्री का रीडिंग आएगा नहीं तो इसको ब्लैंक कर दो और अब यहाँ पे देखो कि वह वर्नियर की कौन सी लाइन मैच हो रही अब ये अंदाज लेने के लिए फिर से मुझे यहाँ पर ये गैप में देखना पड़ेगा ये जो मेरी गैप है ना ये गैप में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये और ये जो लाइन है इसके बीच में मेरा जो मेन ये इंडेक्स मार्क जो है वो थोड़ा इधर ही है इधर है मतलब पंद्रह मिनट के आसपास में तो ये यदि एग्जैक्ट सेंटर में रहता था तो मुझे अंदाजा आ रहा था कि वह दस मिनट का रीडिंग आएगा वर्नियर का लेकिन ये थोड़ा इधर है यानी पंद्रह मिनट का आ रहा है तो मैं क्या करूंगा वर्नियर की पंद्रह मिनट की लाइन ढूंढना शुरू करूंगा ये वाली अब पंद्रह की लाइन मैच होती है क्या नहीं हो रही उसके बाद की लाइन हाँ उसके बाद की लाइन मैच हो रही है तो ये जो लाइन है ये मैच हो रही है पंद्रह के बाद की एक लाइन तो मेरा ये रीडिंग हो जाएगा पंद्रह मिनट ट्वेंटी सेकंड क्योंकि पंद्रह के बाद की एक लाइन मेरी मैच हो रही है मेन स्केल के लाइन के साथ में ये वाली तो ये हैसी रीडिंग हो गया मेरा 217 डिग्री 35 फाइव 20 ट्वेंटी सेकंड तो इस प्रकार से हम लोगों को मेन स्केल का रीडिंग ये जीरो इंडेक्स मार्क को देख के लेना है और वर्नियर स्केल का रीडिंग वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ में मैच हो रही वो लाइन का लेना है और दब दोनों की एडिशन करके हमको रीडिंग मिलेगा तो ये हो गया आपका बी विंडो का रीडिंग तो इस प्रकार से जब भी हम लोग जीरो रीड डिग्री सेट कर रहे हैं और एंगल ले रहे तो आपको ए विंडो और बी विंडो के दो एंगल रीडिंग मिलेंगे तो ये एंगल में एक डिग्री का फर्क होगा क्योंकि एक ए विंडो का है और एक बी विंडो का है तो इस प्रकार से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे अब ये और अलग पोजीशन पे हमने को सेट किया तो अलग पोजीशन पे सेट करने के बाद में अभी यहां पे हमारा मेन स्केल का रीडिंग और वर्नियर का दोनों लेना है तो मेन स्केल में तो आपको सेकंड का रीडिंग आएगा नहीं तो इसको क्रॉस कर दो फिर वर्नियर स्केल पे डिग्री का रीडिंग आएगा नहीं तो इसको भी क्रॉस कर दो और बाद में दोनों की टोटल करना है हमको यहां पे तो अब हमको मेन स्केल का रीडिंग ढूंढना है यहां पर तो मेन स्केल का रीडिंग हम लोग कहां से लेते हैं जीरो इंडेक्स मार्क से तो वर्नियर का जो जीरो इंडेक्स मार्क है ये वाला है इसके साथ में मेन स्केल की कौन सी लाइन मैच हो रही है यहां पर तो एग्जैक्ट तो मैच नहीं हो रही लेकिन कौन सी लाइन पूरी हो रही तो यहां पर 110 है फिर ये 115 आ जाएगा 116, 117, 118, 118 सौ के बाद में एक लाइन है उसके बीच में गैप है तो 118 डिग्री 20 मिनट सो <coughs> so, ये हो जाएगा 118 डिग्री 20 मिनट क्योंकि 118 के बाद में एक लाइन उसके बाद में मेरा इंडेक्स मार्ग है तो उसके बाद में है तो 20 मिनट के बाद में कितना भी हो सकता है लेकिन ट्वेंटी मिनट तो पूरे हो गए उसके तो वो रीडिंग मैंने यहां पर ले लिया अभी अब ये हो गया मेरा एक अब इसके बाद में यहां पे मुझे जब रीडिंग लेना है तो वर्नियर की मुझे ऐसी लाइन ढूंढना है <coughs> जो लाइन मेन मेन स्केल के साथ में मैच होती हो अब ऐसी रीडिंग ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पे थोड़ा क्लोजअप देखूंगा तो यह क्लोजअप में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा मेन स्केल की ये लाइन और ये लाइन है यानी ट्वेंटी मिनट की और फोर्टी मिनट की और इंडेक्स मार्क इसके बीच में है इसका मतलब है दस मिनट का रीडिंग मेरा आ सकता है यहां पर बचा वाला दस मिनट का तो मैं क्या करूंगा वर्नियर के ऊपर दस मिनट की लाइन ढूंढूंगा तो पांच मिनट दस मिनट दस मिनट की लाइन मैच हो रही है क्या नहीं हो रही है फिर उसके उसके बाद बाद क्या हो रही की कौन सी हो रही ऐसा मुझे यहां पे थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा तो ये दस मिनट के बाद में जो एक लाइन है मेरी वो मैच हो रही है यानी मेरा हो जाएगा दस मिनट ट्वेंटी सेकंड यानी दस के बाद की एक लाइन वो मेरी मेन स्केल के साथ में मैच हो गई तो दस मिनट ट्वेंटी सेकंड का रीडिंग हमारा यहां पर हो जाएगा और फिर दोनों की टोटल करेंगे तो एक डिग्री तीस मिनट ट्वेंटी सेकंड तो हमको हमेशा याद रखना है कि ये आखिरी का जो रीडिंग है ट्वेंटी सेकंड का ये ट्वेंटी सेकंड रहेगा या फोर्टी सेकंड रहेगा या फिर जीरो सेकंड रहेगा क्यों कि हमारे थ्यूड लाइट का वर्नियर स्केल जो है इसका लिस्ट काउंट हमारा ट्वेंटी सेकंड का है वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हमारा ट्वेंटी सेकंड का है इसलिए हमेशा यह आखिरी का रीडिंग ट्वेंटी सेकंड फोर्टी सेकंड या जीरो सेकंड ट्वेंटी सेकंड फोर्टी सेकंड या जीरो सेकंड इतना ही रहेगा सो दैट यू हैव टू रिमेंबर और जब मेन स्केल से रीडिंग लेंगे ये वाला पहला जैसा रीडिंग लिया हमने तो इसमें भी ये वाला रीडिंग मिनट में रहेगा ट्वेंटी मिनट रहेगा या फिर फोर्टी मिनट रहेगा या फिर जीरो मिनट रहेगा दो में से एक ही रहेगा जीरो मिनट ट्वेंटी मिनट या फिर फोर्टी मिनट तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा ए विंडो का रीडिंग ए विंडो पे हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया अब इसके अपोजिट में बी विंडो पे यदि जाएंगे तो वहां पे और हमको एक अलग से एंगल दिखाई देगा So, वो एंगल कितना आने वाला है तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी तो यहाँ पे हम लोग आ गए तो हमारा मेन स्केल का रीडिंग फिर से लेना है हमको तो मेन स्केल का सेकंड का रीडिंग तो नहीं आएगा यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया फिर वर्नियर स्केल का डिग्री का रीडिंग नहीं आएगा तो यहाँ पर भी क्रॉस कर दिया और अब दोनों के टोटल करना पड़ेगा हमको तो मेन स्केल का रीडिंग लेने के लिए हमको वर्नियर का इंडेक्स मार्क जीरो यहाँ पर है इसके साथ में कौन सा रीडिंग आ रहा है वो देखना है तो ये दो फिर दो दो सौ पंचानवे छियानवे सत्तानवे अट्ठानवे यानी दो सौ डिग्री 20 मिनट आ रहा है सो टू नाइनटी डिग्री 20 मिनट ये हो जाएगा मेरा रीडिंग यानी दो दो सौ अट्ठानवे के बाद में एक लाइन उसके बाद में मेरा इंडेक्स मार्क है तो 20 मिनट तक का रीडिंग तो पूरा हो गया मेरा उसके बाद की जो गैप है वो गैप का रीडिंग मुझे वर्न स्केल से मिल रहा है <coughs> तो ये हो गया मेरा बराबर अभी मेन स्केल का रीडिंग <coughs> अब मुझे फिर से यहां पे देखना है ये तो ये गैप में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये 20 मिनट और 40 मिनट की जो लाइन है उसके बीच में इंडेक्स मार्क है मेरा इसका मतलब ये 10 मिनट का डिस्टेंस मेरा हो सकता है इतना तो 10 मिनट का गैप कितनी है वो वर्मी स्केल पे रीडिंग लेना है तो मैं आ जाऊंगा वर्मी स्केल पे तो वर्मी स्केल पे पांच की लाइन में मैच हो रही है क्या नहीं मैच हो रही दस की मैच हो रही है क्या थोड़ी थोड़ी मैच हो रही है दस के बाजू की कौन सी लाइन है तो ये एक लाइन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है दस के बाद की पहली लाइन जो यहां पर मैच हो रही है मेन स्केल के साथ में ये वाली लाइन सीधी आ रही है ऐसी पूरी सीधी लाइन मैच हो रही है दोनों भी लाइन एकदम बराबर मैच मैच हो रही है एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो एक्जेक्ट मैच वाली लाइन चाहिए थोड़ा सा उसमें माइनूटली फर्क होता है तो हम लोग जब यहां देखेंगे तो जो मैच होने वाली लाइन है वो ऐसी है तो इसके बाद की लाइन इधर इधर सरकी हुई दिखाई देगी आपको ऐसे और इधर की लाइन इधर इधर सरकी हुई दिखाई देगी ऐसे ऐसे यानी एक ही लाइन मैच होती रहती कोई भी तो आपको थोड़ा सा डाउट करना है कि भाई ये लाइन है और ये लाइन बराबर है क्या एग्जैक्ट है क्या तो ऐसी लाइन होना कि जिसके इधर सब लाइनें इधर उधर इधर उधर जा रही है और इधर की सब लाइनें इधर उधर जा रही है तो ऐसी एक मैचिंग वाली लाइन वर्नियर स्केल की ढूंढ लिया मैंने तो वो जो मेरी लाइन दिख रही है यहाँ पे मुझे टेन मिनट ट्वेंटी सेकंड की तो मेरा वर्नियर का रीडिंग हो जाएगा टेन मिनट ट्वेंटी सेकंड और अब इसको ऐड करेंगे सो टू नाइन एट डिग्री थर्टी मिनट ट्वेंटी सेकंड ये मेरा रीडिंग हो जाएगा तो इस प्रकार से यह मेरा बी विंडो का रीडिंग हो गया तो यहां पर भी आपको फिर से दो रीडिंग मिले एक ए विंडो पे और एक बी विंडो पे तो वर्नियर थोड़ाइट के अंदर आपको इस प्रकार से मेन स्केल और वर्नियर स्केल से रीडिंग लेके ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ता है और उसका यह एंगल आपको फिर इस प्रकार से मिलेगा तो थ्योडलाइट का यूज ही हमारा उसके लिए है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ट्वेंटी सेकंड तक है जब हम लोग कंपास इस्तेमाल कर रहे थे तो कंपास से हमारा थर्टी मिनट का रीडिंग आता था, था यानी आधा डिग्री का तो उसकी एक्यूरेसी आधा डिग्री थी तो उसके बीच का एक्यूरेसी से एंगल हम लोग ले नहीं सकते थे तो जब कंपास से हम लोग ट्रेवल्स बनाएंगे तो उसके अंदर क्लोजिंग एरर आ रही है हमारी वो क्लोजिंग एरर एलिमिनेट करने के लिए ही हम लोग थ्यूड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा एंगल एक्यूरेटली गिन सके हम लोग और विद द एक्यूरेसी ऑफ ट्वेंटी सेकंड अब इससे ज़्यादा एक्यूरेसी यदि आपको चाहिए तो अभी आप टोटल स्टेशन आ गया है वो भी थियोलेट के जैसे ही ऑपरेट करना है आपको लेकिन टोटल स्टेशन के अंदर आपको एक मिनिट सॉरी एक सेकंड तक एक्यूरेसी वाला एंगल मिलेगा एक सेकंड के एक्यूरेसी तक तो थियोलेट के जैसे ही ऑपरेशन हमारे टोटल स्टेशन के होते हैं और टोटल स्टेशन में आपको एक जैसा एंगल मिलेगा लेकिन वह एंगल आपका एक सेकंड तक एक्यूरेसी तक का मिलेगा जितने आपके एक्यूरेसी होगी टोटल स्टेशन की उतने एक्यूरेसी तक हम लोग एंगल गिन सकते हैं तो इस प्रकार से हमने वर्नियर थ्योडलाइट से रीडिंग कैसे लेना वो हमने देखा सो इन दिस लेसन वी हैव सीन सम ऑफ द एग्जांपल और इस प्रकार से हमको थ्योडलाइट का इस्तेमाल करना है सेम प्रोसीजर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्टिकल सर्कल के लिए भी तो वर्टिकल सर्कल के लिए भी पहले मेन स्केल का रीडिंग आएगा जो इंडेक्स जीरो के साथ में मैच हो रहा है तो वो आ जाएगा डिग्री मिनट में और फिर वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन हमारी मैच हो रही है मेन स्केल के साथ में तो वो हो जाएगा हमारा मिनिट और सेकंड का रीडिंग वर्नियर का रीडिंग हो जाएगा और दोनों को मिला के फिर हमारा वर्टिकल एंगल भी मिलेगा तो वर्टिकल सर्कल से वर्टिकल एंगल नोट कर सकते होर्जेंटल <coughs> सर्कल से होर्जेंटल एंगल सेट कर सकते लेकिन जो एंगल मेजर करने का तरीका है उसमें आपको मेन स्केल का रीडिंग डिग्री मिनट में लेना है वर्नियर का रीडिंग मिनट सेकंड में लेना है और दोनों को मिला के हम लोग वो एंगल ले सकते हैं सो इस प्रकार से थ्यूडलाइट का इस्तेमाल करके हमने एंगल कैसे ऑब्जर्व करना रीड करना वो हमने देखा इसी प्रकार से थ्यूलाइट का दूसरा इस्तेमाल भी होता है <coughs> वो होता है हमारा कि एंगल सेट करना यानी कोई गिवन एंगल है तो गिवन एंगल भी हमको सेट करना पड़ता है तो वहां पे आपको उल्टा प्रोसीजर करना पड़ेगा यदि गिवन एंगल है हमारे पास और वो एंगल हमको यदि सेट करना है समझ लो टू नाइनटी एट डिग्री थर्टी मिनट ट्वेंटी सेकंड ये हमको रीडिंग दिया है और इसको हमको थियोड लाइट से सेट करना है तो पहले तो मेरा जीरो डिग्री पे लाइट रख दिया मैंने लेकिन कितना मुझे घुमाना है ताकि मेरा रीडिंग इतना आ जाए तो उसके लिए मैं कितना घुमाऊंगा तो मेरी मेन स्केल कहां पे रखूंगा और वर्नियर स्केल कहां पे रखूंगा ये मुझे पता करना पड़ेगा इससे <coughs> तो उसके लिए मुझे इसको बाइफरगेट करना पड़ेगा बाइफरगेट कैसा करेंगे तो मेन स्केल का रीडिंग जो है ये अलग हो जाएगा मेरा टू नाइनटी एट डिग्री

298 डिग्री 20 मिनट पे रखना है और फिर उसको स्लो मोशन स्क्रू से घुमा के हमको टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है यानी 298 डिग्री 20 मिनट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग ऐसा बढ़ाएंगे कि 10 मिनट 20 सेकंड की जो लाइन है वर्नियर की वो मेन स्केल के साथ में मैच हो जाए इतना उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा तो एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा और वो एंगल सेट हो जाएगा इतनी डिग्री पे तो इस प्रकार से लाइट को किसी दिए हुए एंगल पे भी हम लोग सेट कर सकते हैं तो उसके लिए हमने एक प्रोसीजर क्या देखा तो पहले दिए हुए रीडिंग में से मेन स्केल का रीडिंग अलग कर लो जिसमें ट्वेंटी मिनट ही आएंगे सिर्फ यहां पर बचे हुए मिनट वर्नियर स्केल पे आ जाएंगे और सेकंड भी वर्नियर स्केल पे आ जाएंगे अब मेन स्केल को पहले टू नाइन्टी डिग्री ट्वेंटी सेकंड पे फिट कर दो और उसके बाद में फिर टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल करके रीडिंग को थोड़ा सा बढ़ाओ ऐसा बढ़ाओ कि टेन मिनट ट्वेंटी सेकंड की जो लाइन है वर्नियर की वो मेन स्केल के किसी भी एक लाइन से मैच हो जाए इतना उसको आपने थोड़ा सा स्लोली घुमाना है टैंज स्क्रू को तो आपका रीडिंग ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये वाला रीडिंग और बढ़ के इतना हो जाएगा और इस प्रकार से हम लोग थ्योडलाइट के ऊपर रीडिंग भी सेट कर सकते हैं तो ये ऑपरेशन हमको हमेशा यूज करने पड़ेंगे सो इस लेक्चर में हमने जो देखा ये एकदम इंपॉर्टेंट स्किल है थ्यूडलाइट को ऑपरेट करने का और थ्योडलाइट से रीडिंग लेने का अब इसके अलावा फिर इसका इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम लोग किसी फील्ड का एरिया का सर्वे कर सकते हैं या ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं सो टिल देन आई विल स्टॉप हियर थैंक यू एंड गुड बाय सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर